सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करें। आराधना करें आराधना, उपकारों को उसकी याद करें। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 रबा संदरा बाला रबा बाबा ओ रिखना ला रथीना ला रबा बाबा रश्कना ला रथीना ला रबा ना रबा। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भोर के लिए पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। ओ पिता परमेश्वर, तू हमारे साथ साथ चलता है परमेश्वर पिता, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा छिपने का स्थान है पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला परमेश्वर, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे प्राणों को मृत्यु से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का आदर करें, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा छिपने का स्थान है। मेरे पिता का धन्यवाद करें, मेरे स्वामी का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। आज के दिन की शुरुआत करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए मेरे प्रियो, अपने कार्य धंधे को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, इसलिए तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तेरा नाम लेकर बुला लिया। मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे कहते हैं मत डर, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ और मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने उस परिस्थिति से तुझे छुड़ा लिया है, इसलिए मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें हर परिस्थिति से छुड़ा सकता है, एकमात्र परमेश्वर वही है जो जीवित है, एकमात्र परमेश्वर वही है जो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। इसलिए मेरे प्रियो डरना नहीं है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु ने आपको छुड़ा लिया है। हो सकता है आपका साथी आपका साथ ना दे, हो सकता आपका भाई आपको साथ ना दे, हो सकता आपका परिवार आपको साथ ना दे, हो सकता आपके बच्चे आपके बहू आपकी बेटी आपका साथ ना दे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथी हूँ, मैं तेरा संग हूँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो हो सकता है आज आप किसी परिस्थिति में होंगे, आपको डर लग रहा होगा कि हम कैसे जिए, हम कैसे अपने जीवन को काटे, हम इस परिस्थिति से कैसे निकलेंगे, इस गरीबी से कैसे निकलेंगे, इस बीमारी से कैसे निकलेंगे, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन प्रभु आज आपसे कहना चाहता है मैं ही परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ और मैंने तुझे उस परिस्थिति से, उस बीमारी से, उस गरीबी से मैंने तुझे छुड़ा लिया है, इसलिए तू मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो आज आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, आपको किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, आप किसी इंसानों के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, आज आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। प्रभु की वाणी यही है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए दाऊद कहता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मैं तो यहोवा ही का नाम लूंगा क्योंकि वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है,
चुपचाप होकर परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए हैं। हे मेरे मन, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर के ऊपर आशा रख, वही तेरे मुख की चमक है, वही तेरे प्रकाश है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको कोई साथ दे या ना दे, आपको कोई मदद करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारी आशा, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। इसलिए अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंप दीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए, मन से प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आज आपको आशा दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर की वाणी की घोषणा करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर आपके संग है। हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, मेरे प्रियो, आज किसी भी मुसीबत में होंगे, हो सकता है आपका किसी ने साथ छोड़ दिया हो, हो सकता है आज आपका परिवार ने आपको साथ छोड़ दिया हो सकता है आपके बेटा और बेटी ने साथ छोड़ दिया हो सकता है आपके मम्मी पापा ने आपका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुला लिया है। हालेलुया, रब शंदा रब ला रब बा बा रश कना ला रता और यदि तू जल में होकर जाए, वो जल तुझे डुबा नहीं सकेगी, मैं तेरे संग संग चलूंगा। तू यदि वो आग में होकर जाए, वो लो तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि उसमें भी मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, आज विश्वास कीजिए, आपकी कैसी भी परिस्थिति होगी, उस अग्नि के भट्टे के समान क्यों ना हो आज आपकी परिस्थिति, आज मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने में सामर्थ्य। प्रभु कहते हैं जब मैं काम करने लग जाऊं तो मुझे रोक सकता है। मेरे प्रियो, आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको हर परिस्थिति से छुड़ाने में सामर्थ्य है, आपको हर मुसीबत से छुड़ाने में सामर्थ्य है। खमा बाबा बारिश करना ला रहती और रिखा ना ला रहती ना ला रहा बाबा बारिश करना ला रहती। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरे नजदीक में आते, तू बेसहारों का सहारा है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उनकी आंखों में से आंसू पोंछ दीजिए जो पिता परमेश्वर आज रो रहे। प्रभु पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर वो बेचैनी में है प्रभु, उस डर और उस भय में है पिता परमेश्वर कि हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे, क्योंकि सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे परिवार ने हमारा साथ छोड़ दिया। पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, उनकी आंखों में आंसू को पोंछ दीजिए प्रभु, उस जगह को पवित्र कर दीजिए, उस जगह में आपकी पवित्र आत्मा का वर्षा होने पाए परमेश्वर, जिस जगह से वो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उन बेसहारों का सिर्फ तू ही सहारा है पिता परमेश्वर, जिनके साथ कोई नहीं है उनके साथ तू है मेरे पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए, उन बेचारों लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, उन पिता परमेश्वर बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जो अपनी बहुओं के द्वारा सताई जा रही है, अपने बेटों के द्वारा सताई जा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने पड़ोसी के द्वारा सताए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर। तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू उनके लिए तू ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, तू उनके लिए छुपने का स्थान है पिता परमेश्वर। रब संदा रब ला रब, उनके आंखों में से सब आंसू पोंछ दिए जाए परमेश्वर, उनकी बेचैनी को आप खत्म कीजिए परमेश्वर, तू उनका परमेश्वर, तू उन्हें छुड़ाएगा परमेश्वर, हर परिस्थिति से छुड़ाए परमेश्वर, हर तकलीफों से तू छुड़ाएगा परमेश्वर, क्योंकि तेरा वायदा है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। मेरे पिता, मेरे स्वामी, उन लोगों को तू छू लीजिए प्रभु, जो सचमुच में पिता परमेश्वर तड़प रहे परमेश्वर, जिनका कोई सहारा नहीं है परमेश्वर, कई ऐसे परिवार में जिनमें पिता परमेश्वर बुजुर्ग लोग पिता सचमुच में रो रहे परमेश्वर, पिता परमेश्वर तू उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, तू उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, हम तेरे ही हाथों में सौंप देते खुदा पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बीमारी में तड़प रहे परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन लोगों को प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जो शरीर में कई कमजोरियां है पिता परमेश्वर, उनमें कोई ताकत नहीं है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते, जिनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी है परमेश्वर, वो डर रहे हैं कि हम इससे कैसे निकलेंगे, पिता परमेश्वर तूने छुड़ा ले,
पिता परमेश्वर, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को पिता परमेश्वर रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, किसी के यूरिन प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, किसी के बालों का टूटना है पिता परमेश्वर, किसी का गूंगापन है, किसी का बहरापन है पिता परमेश्वर, किसी का लूलापन जो चल नहीं पा रहे, प्रभु यीशु के नाम से चलने फिरने वाले पंचायत उनके उनको ताकत दीजिए प्रभु, उन्हें ताकत दीजिए। चाहे कैसी भी बीमारी हो परमेश्वर, वो डरने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर पिता वो तेरे संग चलने वाले पंचायत प्रभु, तूने छुड़ाएगा उन्हें, उठाकर तू खड़ा करेगा परमेश्वर पिता, मेरे खुदा तू उनको उठाकर खड़ा करेगा, तू उनके संग है परमेश्वर पिता, उनकी परिस्थितियों को आप बदलोगे परमेश्वर, उनके रोने और पीटने और आंसू बहाने को पिता परमेश्वर तू रोक देगा, मेरे खुदा तू छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए परमेश्वर पिता, अभिषेक से भर दीजिए प्रभु, दया कीजिए परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो परमेश्वर, उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो जो रास्ता भटक चुके हैं परमेश्वर, उस रास्ते से जा रहे परमेश्वर जहां पर पाप और अपराध है, बुराई है, लड़ाई झगड़े है, नशे है परमेश्वर, तूने छुड़ा ले, तूने छुड़ा ले परमेश्वर, उस पाप से अपराध से बुरी संगति से छुड़ा ले प्रभु, पिता परमेश्वर का ऐसे जवान है जो बर्बादी की ओर जा रहे प्रभु, पिता परमेश्वर तूने छुड़ा ले परमेश्वर, उन्हें छुड़ा ले पिता परमेश्वर, तू बचा ले प्रभु, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो बेरोजगारी में है प्रभु, पिता परमेश्वर वो उनका मन भटक रहा है परमेश्वर, वो डर रहे हमारा जीवन कैसे चलाएंगे, लेकिन पिता परमेश्वर तू उनके संग है, तू उनकी बेरोजगारी को दूर करेगा, उनमें से हर प्रकार की समस्याओं को खत्म करेगा पिता परमेश्वर, तू छू ले उनके लिए, जॉब का प्रबंध कीजिए खुदा, जॉब का प्रबंध कीजिए परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से तू उनके संग है, तूने छुड़ा लिया परमेश्वर, तूने नाम लेकर बुला लिया परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उन्हें जॉब मिल जाए, जिन्होंने पिता परमेश्वर एग्जाम दिया है उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जिनका रिजल्ट आना है उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, उन्हें तू सिलेक्ट कर यीशु के नाम से, तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर जिनके पास कोई औलाद नहीं है खुदा, तू छू ले, कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन पिता परमेश्वर उनकी कोई औलादे नहीं है प्रभु, दया कीजिए, रहम कीजिए परमेश्वर, तू उनके संग है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उन्हें औलाद मिलने पाए परमेश्वर, तू छू ले, छू ले, शरीर में अगर कोई कमजोरी है तो कमजोरी को आप दूर कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, उनके गर्भ को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में से हर प्रकार का अनादर खत्म हो जाए, दया कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर उन परिवारों को बचा ले जो टूट रहे प्रभु, पिता परमेश्वर उन परिवारों को बचा ले जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे प्रभु, पिता परमेश्वर उन परिवारों को बचा ले जहां टूट रहे परमेश्वर, पति पत्नी अलग हो रहे, बाल बच्चे अलग हो रहे, मम्मी पापा अलग हो रहे परमेश्वर, ऐसे लोगों को तू बचा ले प्रभु, उनके बीच में प्रेम की आत्मा दीजिए प्रभु, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते प्रभु, पिता परमेश्वर उन परिवारों को बचा ले परमेश्वर, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से चली जाए, शैतान शैतान की योजना फेल हो जाए पिता परमेश्वर, तू बचा ले ऐसे परिवारों को, टूटने और बिखरने से बचा ले, पति पत्नी जो अलग हो रहे परमेश्वर वो मिलने पाएंगे और आपकी महिमा होने पाएगी खुदा, यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते परमेश्वर, तू छू ले, तू बचा ले प्रभु, बचा ले टूटने और बिखरने से पिता परमेश्वर, सूखी भूमि पर जल की धारा बहाइए परमेश्वर, तू छू ले परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता, उन लोगों को प्रार्थना करना चाहते प्रभु जो हॉस्पिटलों में है परमेश्वर, पिता परमेश्वर किसी का ऑपरेशन होना है, किसी को कई प्रकार की बीमारी है परमेश्वर, तू छंगाई दे, छुटकारा दे परमेश्वर, उनके डर को, उनके भय को दूर कीजिए प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू ले, जो पिता परमेश्वर घुटने में दर्द है और वो चल नहीं पा रहे, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु यीशु के नाम में चलने वाले पंचायत,
लूलापन, पैरालिसिस, हर प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। तू छू ले प्रभु, दया कीजिए परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर उन बेसहारों लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, सचमुच में पिता परमेश्वर अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे प्रभु, कई परिवारों के द्वारा सताए जा रहे प्रभु। पिता पर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनकी बेचैनी को अब दूर कीजिए, उनके अकेलेपन को दूर कीजिए, उनके आंखों में से आंसू को पोंछ दीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए परमेश्वर। उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो कोर्ट के केस में उलझे हुए प्रभु, उस भाई को तो छू ले प्रभु, उस भाई को बचा ले प्रभु। पिता परमेश्वर तू उसे छुड़ा ले प्रभु। पिता परमेश्वर उसके लिए जीवन साथी का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए, ताकि वो जिंदगी नई से शुरुआत कर रहे प्रभु यीशु के नाम से। वो पिता परमेश्वर तू छू ले, उसकी मम्मी को अभिषेक कर, उसकी मम्मी को हिम्मत दे, हिया दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु। और बहन है प्रभु उसको भी छू ले परमेश्वर, और भाई है जो कोर्ट के केस में उलझे हुए प्रभु तो छू ले प्रभु, ओ यीशु के नाम से बचा ले, उनके संग है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते आपके नाम की महिमा करते प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं पिता परमेश्वर, छोटे मोटे कार्य धंधा करते पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जो कार्य धंधे में रुकावटें हैं यीशु के नाम से रुकावटें दूर हो जाए प्रभु। पिता परमेश्वर वो अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएंगे परमेश्वर, उन्हें ऊंचे स्थान पर तू नियुक्त करेगा परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की रुकावटें यीशु के नाम से दूर करेगा, और उनके कार्य धंधे में तू आशीष करेगा परमेश्वर, उनके बिजनेस को तू बढ़ाएगा परमेश्वर यीशु के नाम से। यीशु के नाम से तू उनके बिजनेस को बढ़ाएगा खुदा, तेरा धन्यवाद उनके संग है प्रभु। यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, तू हमारी प्रार्थना को गड़गड़ाहट को सुनता है, क्योंकि तू हमारे संग है परमेश्वर, तू हमारी परिस्थिति को बदलेगा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु, जितने भी पिता परमेश्वर पुणे से है परमेश्वर, जितने भी गोवा से परमेश्वर, उस बहन को छू लीजिए, उस बेटी को छू लीजिए परमेश्वर, जो बहू से पिता परमेश्वर परेशान है प्रभु, पिता परमेश्वर उस आंटी के आंखों में से आंसू को पोंछ दीजिए, वो तेरी बेटी है प्रभु, दया कीजिए परमेश्वर। जितने भी नासिक से है, गोवा से है परमेश्वर पिता परमेश्वर, हैदराबाद से है परमेश्वर, अरुणाचल प्रदेश से है पिता परमेश्वर, असम से है परमेश्वर, पुणे से है पिता परमेश्वर, मुंबई से है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हिमाचल प्रदेश से है, नेपाल से है परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। जितने भी गुजरात से है उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, अहमदाबाद से है पिता परमेश्वर, सूरत से पिता परमेश्वर, झारखंड से है पिता परमेश्वर, दिल्ली से है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उत्तराखंड से है परमेश्वर, पंजाब से है, हरियाणा से है, पटना बिहार से है परमेश्वर पिता, उड़ीसा से है परमेश्वर, छत्तीसगढ़ से है पिता परमेश्वर, राजस्थान अजमेर जयपुर से है पिता परमेश्वर, आजमगढ़ से है पिता परमेश्वर, सिरडी से है परमेश्वर, कई ऐसी प्रार्थना निवेदन आई है पिता परमेश्वर, तो छू ले उनके संग है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तू छू ले परमेश्वर, तू उनके संग संग है पिता परमेश्वर, उनके हर परिस्थिति को तू बदल देगा परमेश्वर यीशु के नाम से, तेरे ही हाथों में सौंप देता प्रभु। जो बेंगलोर से परिवार है उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उस अंकल को पिता परमेश्वर चलने फिरने की ताकत दे यीशु के नाम से, उनकी कमजोरी कष्ट पीड़ा दूर हो जाए, उनके पैरों का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनके बेटों के लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कर यीशु के नाम से, जॉब लग जाए यीशु के नाम से, उनकी जो जमीन हड़प ली गई है प्रभु यीशु के नाम से उनकी जमीन मिलने पाए परमेश्वर। कई ऐसे परिवार और है पिता परमेश्वर जिनकी जमीन हड़प ली गई है प्रभु यीशु के नाम से, जमीन फिर से मिलने पाए। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें पिता परमेश्वर कर्जे का श्राप है, यीशु के नाम से कर्जे का श्राप खत्म हो जाए, बीमारी कमजोरी कष्ट उपना यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनके बच्चों में से उनके परिवार में से हर प्रकार की बीमारी कमजोरी कष्ट उपना खत्म हो जाए यीशु के नाम से। रब संदरा बाला रब बाबा यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु। जितने भी विश्वास में अभी अभी आए हैं परमेश्वर, उनके विश्वास को आप बढ़ाइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उनके आत्मिक बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर। यदि कमजोरी है प्रभु यीशु के नाम से, हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार के पिता परमेश्वर मन को भटकाने वाली शैतान की शक्ति यीशु के नाम से भस्म हो जाए, उनके विश्वास को आप मजबूत कीजिए। तू उनके संग है परमेश्वर, तू उन्हें हर परिस्थिति से छुड़ाएगा, हर बीमारी
से छुड़ाएगा यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। जो घर बनाना चाहते, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते, जो लोन लेना चाहते परमेश्वर पिता, उनको लिए परमेश्वर तू प्रबंध करेगा, उनके लिए तू प्रबंध करेगा। वो घर बनाने पाएंगे, उनका लोन पास होगा, वो प्रॉपर्टी लेंगे परमेश्वर, और आपकी महिमा करेंगे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारे संग है। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा छुपने का स्थान है पिता। धन्यवाद खुदा पिता परमेश्वर, विशेष करके तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनको सेवा के लिए ऊंचा उठा परमेश्वर, तू ऊंचा उठा परमेश्वर, ऊंचा उठा परमेश्वर, तू अपने भाग से उन्हें खिलाएगा परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, विशेष करके उस भाई को तू छू ले परमेश्वर, जिसमें दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से उसके अंदर से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए परमेश्वर। वो तेरा बेटा है परमेश्वर, तू उसको तू इस्तेमाल कर अपने कार्य के लिए परमेश्वर। उनके मम्मी पापा की चिंता को दूर कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। उसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति भस्म हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जिनको मिर्गी की बीमारी है परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, यीशु के नाम से आज भस्म हो जाए, वो दुष्ट आत्मा खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, तू हमारे संग संग चलता है परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है। और पिता परमेश्वर हमारी भलाई तेरे सिवा कहीं नहीं है खुदा, आपका धन्यवाद करते प्रभु। जिनको बेरोजगारी है परमेश्वर, वो बेरोजगारी खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। जो जिनके लिए शादी ब्याह का लिए परमेश्वर लोग हो चुके हैं तैयार, उनके लिए शादी ब्याह का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए, व्यवस्था और प्रबंध कीजिए परमेश्वर। शादी के लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए खुदा परमेश्वर पिता। जो पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जिनके पास कोई औलाद नहीं, उन्हें औलाद मिलने पाए। जो पिता परमेश्वर चल नहीं पा रहे परमेश्वर, घूम नहीं पा रहे, उनके जीवन में वो बल आ जाए, शक्ति आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, ताकि उछल कूद कर आपकी महिमा करने वाले बन जाए। धन्यवाद खुदा तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। उन अनाथ और विधवाओं के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, तू उनकी सुधि लेगा, क्योंकि तू उनका स्वामी है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हमारे किसान भाइयों को तू छू लीजिए परमेश्वर, किसान भाइयों का अभिषेक से भर दीजिए, उनके हर प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। हमारे भारत देश को बचा ले प्रभु, अंधकार की शक्तियों से, मूर्ति पूजा से बचा ले। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे संग है मेरे प्रियो। यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए। परमेश्वर कहता मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुला लिया है, मैं ही परमेश्वर हूँ, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके संग है, आपकी परिस्थिति को बदलेगा, हालेलुया। प्रभु में आप सदा आनंदित रहे, खुश रहे। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना निवेदनों का जरूर सम्मान करेंगे। आप हमें अपने घर में इनवाइट कर सकते हैं, आपके घर में हम प्रार्थना के लिए आ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। स्वाटो कलीसिया आपके लिए हमेशा प्रार्थना करती है और करती रहेगी, और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती जाएगी। प्रभु में आप सदा आनंदित रहें, खुश रहें। फिर से सबको सबको जय मसीह की।